जहां पर ऑडियंस और जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें लग रही थी कि ये कहीं ना कहीं फिल्म 200 से 300 करोड़ का बजट या शेयर कलेक्शन करने वाली है, वहीं पर ये फिल्म औंधे मुंह गिरी है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज मूवी को लेकर। इस मूवी की एक कंडीशंस के साथ में इसकी ओटीटी रिलीज डेट ऑफिशियल अनाउंस हो चुकी है और आप लोगों को हंसी आएगी। आज से पहले मुझे याद नहीं कि किसी फिल्म को जो थिएटर्स पे रिलीज हुई हो इसको इतनी कम डेट पर रिलीज की जा रही है ओटीटी पर। बाकी जो सेकेंड अपडेट की बात करें दोस्तों, वो आ रही है कमल हसन की स्टारिंग में बनने वाली फिल्म विक्रम की। इनकी तीनों लैंग्वेज के साथ में किस जगह पर यानी किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है और किस दिन रिलीज होने वाली है इसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका इस वीडियो पे इंटरेस्ट होगा तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस करते हुए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे अपने अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट अपडेट है स्टारिंग ऑफ अक्षय कुमार सर सम्राट पृथ्वीराज मूवी। इस मूवी की ना इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं है कि फिल्म डिजास्टर की गई है, इसके अराउंड इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है जहां पर फिल्म मेकर्स कर रहे हैं कि अक्षय कुमार के साथ में हम लोग नेक्स्ट कोई भी मूवी साइन नहीं करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने एक मूछ बढ़ाने तक की भी कोशिश नहीं की थी इस मूवी में। बाकी आप लोगों ने पूरा जो परफॉर्मेंस है अक्षय कुमार हो या कितने भी स्टार कास्ट इस मूवी में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम लोग उनकी बात को साइड में रखते हुए अपनी अपडेट की बात में करें दोस्तों, तो इसकी जो मतलब कि प्लेटफॉर्म आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा वो है Amazon Prime और आपको इसको एक कंडीशंस के साथ में देखना होगा। पहले वो आपको 6 दिन के गैप में ओटीटी पे देखने को मिल रही है। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, आप लोगों को Amazon Prime पर 1 जुलाई को देखने को मिल जाएगी Amazon Prime पर सम्राट पृथ्वीराज मूवी, वो भी रेंट पे। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, रेंट पे आपको इस मूवी को बाय करके Amazon Prime पर देख सकते हैं सम्राट पृथ्वीराज मूवी को 1 जुलाई को। और मुझे बाकी अगर मैं सेकंड अपडेट की बात करूं दोस्तों, तो वो आ रही है कमल हसन के स्टारिंग में बनने वाली फिल्म विक्रम मूवी की, जिसमें आपको हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ में रिलीज हुई थी ये मूवी। इसकी भी ऑफिशियल अनाउंस हो चुकी है, इसकी जो ओटीटी रिलीज डेट है आपको 8 जुलाई को देखने मिल जाएगी और इसको जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हो, इसकी जो स्ट्रीमिंग राइट्स है ओटीटी की वो हॉटस्टार ने एक्वायर किया और आपको ये मूवी 8 जुलाई को देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बाकी आपको क्या अपडेट के लिए लगता है, आपने इन दोनों मूवी को अगर देखा होगा तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी या आप फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं या आप वेट कर रहे थे इस मूवी की ओटीटी पर, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। और बने रहिए हमारे चैनल पे दोस्तों इसी तरह के मूवीज की अपडेट्स के लिए। बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।